जुम्मे की नमाज़ भी है, उसके दृष्टिगत भी और इसके अलावा भी हम लोग जब भ्रमण कर रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, तो देखे कि गलियों में, सड़कों पर तो पुलिस, क्योंकि सब ड्यूटी लगी हुई है, कहीं पर कोई अनावश्यक रूप से बाहर हम नहीं निकलने दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि घरों में भी जब लोग रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें, उसके संबंध में ही सबको आज अवेयर किया गया है। और सबसे यही अपील की गई है कि इसको सही तरीके से ट्रू सेंस में लागू कराएं, ताकि जो ये कोरोना का संकट है, इसका पूरा जो जिले प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, उनको प्रभावी तौर पर लागू किया जा सके और सामना किया जा सके। और कल के लिए भी सबने यह सहमति से ही, जैसे सबको जागरूक किया गया है, सब इस पर राजी हुए हैं कि कहीं पर भी कोई किसी किस्म की लापरवाही किसी के द्वारा नहीं बरती जाएगी और अक्षरशः लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। सर, अग्निशमन की गाड़ी जो है आज शहर में सेंट्रलाइज कर रही है, जो गाड़ी है पूरे शहर में विभाग की तरफ से, सर इस पर क्या? ये हमारे पास जो फायर टैंकर हैं जिले में, सभी जो फायर टैंकर हैं उनका हम इस्तेमाल इसमें भी कर रहे हैं कि जो आज पहले पुलिस लाइन में तमाम परिसर को सैनिटाइज किया गया, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उनका पूरा सदुपयोग किया जा रहा है। और पुलिस लाइन के बाद अब शहर में भी सभी सड़कों को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसका प्रभावी असर रहेगा और यह एक प्रयास है कि जो साइकिल है कोरोना का उसको तोड़ा जा सके।